बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान जेपी आंदोलन की चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि सही मायनों में देश को आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1977 में मिली थी। अब सम्राट के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैरानी जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ ही मालूम नहीं है। आज इसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का, उस सब का कोई वैल्यू है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस पर करारा जवाब दिया है। से कितने तादाद में लोग जो है यहाँ जो है नौकरी के लिए आ रहे हैं, और वही यूपी वाले क्या बोल रहे हैं भाई, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ खाली हिंदू मुसलमान बुलडोजर यही चीजों की कथा कहानी जो है गची जा रही है। लेकिन हम लोग भी इनको मुद्दे पे लाएंगे, और हम लोगों ने पहले भी कहा था जो असली जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और देश में सबसे बड़े तादाद में जो है विज्ञापन निकाली गई हैं, इससे बड़ा जो है अभी तक जो है विज्ञापन कभी भी नहीं निकला, और न आगे हम लोग जो है इसी तरीके से, ये तो एक विभाग का है, आगे और धीरे धीरे विभागों का जो है आएगा। तेजस्वी यादव यही चुप नहीं हुए, उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा रोजगार मेले में दी गई नौकरी पर तंज कसते हुए हमला बोला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।